हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ है। ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली, उनके अदर कोई रोमांटिक पार्टनर, उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। तो ये ऐसा ही है कि ये किसी थर्ड पार्टी में अभी दिखाई देते हैं और थर्ड पार्टी के साथ ये अभी भी हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा है कि बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, स्टक हैं ये इंसान वहाँ पर। और देखिए थर्ड पार्टी के साथ इनकी फाइटिंग भी शुरू हो गई है, वहाँ पर मनमुटाव लड़ाई झगड़े दिखाई देते हैं। आपके पर्सन का रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ कुछ सही नहीं चल रहा है और उस थर्ड पार्टी को ऐसा है कि आपके पर्सन ने या तो नो कांटेक्ट में डाला है या उस थर्ड पार्टी ने ही आपके पर्सन को नो कांटेक्ट में डाल दिया है। ये दोनों की बातचीत भी अभी नहीं हो रही है और आपके पर्सन को ऐसा लगता है गाइस कि इनकी लाइफ से खुशियां जा रही हैं, सब कुछ ख़त्म हो रहा है ऐसा इनको लग रहा है। क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ शुरुआत में सब कुछ अच्छा चला तो आपके पर्सन को भी यही लगता था कि अभी हमेशा ऐसा ही रहने वाला है, लेकिन अभी अचानक ही इनके बीच जो ये मनमुटाव या लड़ाई झगड़े शुरू हुए हैं, किसी भी वजह से होगा ये सब, लेकिन वहाँ पर जो इन ऐसा लग रहा है इनको कि इनकी खुशियाँ ख़त्म हो रही हैं और सब कुछ इनके हाथ से निकल रहा है, सब कुछ ख़त्म होता हुआ अब इस इंसान को नज़र आ रहा है। और अब आपके पर्सन को लगता है गाइस कि आपका और उनका सोल कनेक्शन था जिस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उस रिश्ते पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और इसी वजह से अब उनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है। उनकी गलती की वजह से सब कुछ ख़राब हुआ है और उसी की सज़ा उन्हें मिल रही है, ये अब आपके पर्सन को समझ में आ रहा है। जब ये आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े थे तब तो इनको कुछ समझ में आया नहीं, तब इनका रिश्ता उनके साथ बहुत अच्छा चल रहा था तो इस वजह से इनको आपकी ऐसा था कि कदर नहीं करते थे ये, इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि आपसे अलग होकर इनकी लाइफ में परेशानियां भी आ सकती हैं। इनको तो यही लगा था कि थर्ड पार्टी के साथ ये खुश रह पाएंगे, लेकिन अब ये समझ पा रहे हैं कि अब ये इंसान आपकी कदर कर रहे हैं। अब इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में रहोगे तो ही अच्छा है, आपको ऐसे इस तरह छोड़कर इन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। अब ये इंसान आपकी तरफ देख रहे हैं क्योंकि देखिए इनके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा ऐसा है कि इनके आसपास निगेटिविटी दिखाई देती है जिसकी वजह से ये इंसान का दिमाग काम नहीं करता। ये इंसान ऐसे हैं कि उनके हिसाब से चलने लगते हैं, वो जैसा कहते हैं वही इनको सही लगता है और वो सारे लोग ऐसे हैं कि इनके दिमाग में जो कुछ अच्छी बातें हैं वो उसे निकाल कर वो ऐसा कुछ भर देते हैं जिसके ये इंसान सही गलत का फैसला नहीं कर पाते। इनको लगता है कि यही लोग सही हैं जबकि ये वो लोग इनके लिए सही नहीं हैं, वो थर्ड पार्टी जो भी हैं वो इनके लिए सही नहीं हैं। तो इनके आसपास निगेटिविटी बहुत है, इस वजह से ये इंसान सही निर्णय नहीं ले पाते, जिसने जैसा कह दिया उसी को मान लेते हैं और उसी वजह से इनके साथ पास में भी यही था कि ये दूसरों की बातों में आए और इस वजह से आपके साथ इनका रिश्ता ख़राब हुआ। अगर ये आपकी बातों को सुनते, आपकी बात को महत्व देते तो शायद आज ऐसा नहीं होता, लेकिन ये इंसान ऐसे थे कि आपकी बात को महत्व नहीं देते थे, आपकी बातों को सुनना भी इन्हें ठीक नहीं लगता था और ये दूसरों की बातों को सुनते थे, थर्ड पार्टी की बातों को सुनते थे और इसी वजह से इन्होंने गलत फैसला किया है पास्ट में और अब वो पछता रहे हैं। और आप चाहे जो भी काम करते हो गाइस, हो सकता है जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं, तो आपके पर्सन आपको ऐसा देखते हैं मैरिज मटेरियल की तरह। इनको लगता है कि आप में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और आप ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं वो आप हासिल कर लेते हैं, आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आपके पास सब कुछ है, आप अपनी लाइफ में खुश हैं और आपने जो कुछ चाहा वो हासिल किया, तो आपको ये मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं। आपके पर्सन भले ही अबंडेंट हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें भी किसी चीज़ की कमी है, उनके पास भी सब कुछ है, वो भी अबंडेंट हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि जब वो आपके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो वो अबंडेंट हो पाएंगे, उनको अबंडेंस मिलेगी, उनकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, ये उस इंसान के दिमाग में चलता है। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि आप ऐसे इंसान हो जो सबको खुश रखते हो, सबकी तकलीफ को समझते हो, सबकी मदद करते हो और आपके साथ कोई भी इंसान दुखी नहीं रह सकता,
आप सबको प्यार देना जानते हो, तो इस वजह से उस इंसान को लगता है कि आप जैसा इंसान अगर उनकी लाइफ में रहेगा तो जिस तरह अभी वो परेशान हो रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, जो भी लड़ाई झगड़े हैं, मन मुटाव, ये सब उनकी लाइफ में फिर नहीं रहेगा, वो खुश रह पाएंगे आपके साथ। क्योंकि जब आप दूसरों को खुश रख सकते हैं और पास्ट में आपने उन्हें खुश रखा भी है, उन्हें आप बहुत ज़्यादा प्यार देते थे, तो वही सब वो इंसान अब फिर से चाहते हैं। क्योंकि अब उनके साथ कुछ भी सही नहीं चल रहा तो वो इंसान भी परेशान है और उनको यही लगता है कि आपका इनकी लाइफ में अगर आप आ जाते हैं वापस तो इनकी लाइफ पहले की तरह बढ़िया हो जाएगी। अभी आपके पर्सन ऐसा है, फैमिली, मैरिज, प्रपोजल, ये सब आपके साथ देख रहे हैं। इनको लगता है कि आपके साथ लाइफ बहुत अच्छी चलने वाली है और आप ऐसे इंसान हैं जो इनका पूरा पूरा साथ देते रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं था कि ये तकलीफ़ में है तो आप इनका साथ छोड़ देंगे, ऐसा आपने कभी नहीं किया। और आपका जो नेचर है गाइस, ऐसा है हंसी मजाक करने वाले, खुद भी खुश रहने वाले और सबको खुश रखने वाले, आप ऐसी एनर्जी में रहते हैं। आप कभी भी उदास रहना या दुखी रहना पसंद नहीं करते। आपकी लाइफ में चाहे जितनी भी परेशानियाँ हों, आप खुश रहते हैं और जो आपके साथ हो, जो भी आपके साथ मौजूद है, उसको भी आप खुश रखते हैं। तो ये सब आपके पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, जो आप ये हंसी मजाक करते हैं। और ऐसा है कि आपके साथ वो अपने सारे जो भी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में रहती है उसको वो भूल जाते हैं। आपके साथ टाइम स्पेंड करना उस इंसान को अच्छा लगता है। आपके पर्सन आपको एंजल की तरह देखते हैं गाइस। और देखिए, रात में आपके पर्सन का ऐसा रहता है कि आपको बहुत ज़्यादा वो याद करते हैं। जब वो अपने काम से फ्री होते हैं, रात का टाइम रहता है, वो सोने चले गए या कुछ भी, तो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। वो जो आपके पर्सन है गाइस, ये ऐसे हैं, इगोइस्टिक हैं, इन बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है और ये किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते। तो ये आपके लिए चाहे जितने भी सैड रहें, आपको जितना भी ज़्यादा मिस करें, लेकिन आपके सामने ऐसा शो नहीं करते कि आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ये इंसान ऐसे ही हैं, ये झुकना पसंद नहीं करते। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने गिव अप कर दिया है। आप इस रिश्ते को पूरी तरह, आपने इस रिश्ते के बारे में सोचना, इस इंसान के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। आपको ये लगा कि अब ये इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, जब बहुत समय हो गया इन्होंने आपके लिए एक्शन नहीं लिया, तो आपने भी गिव अप कर दिया। और यहाँ पर थर्ड पार्टी ने क्या किया है गाइस, कि आपके पर्सन को इग्नोर करने लगी, या हो सकता है इस थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और आ गया, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के पर्सन की जो थर्ड पार्टी है उनके साथ ऐसा है कि इनकी लाइफ में कोई और आ गया है, या कुछ भी कारण है जिसकी वजह से ये इंसान अब आपके पर्सन को इग्नोर कर रहा है, आपके पर्सन की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहा, नो कांटेक्ट भी यहाँ पर दिखाई देता है उन दोनों के बीच। तो आपके पर्सन को ये लगता है जिस तरह थर्ड पार्टी ने उनका साथ अब छोड़ दिया है, तो अब अगर आपके साथ उनका रिश्ता ख़राब नहीं हुआ होता तो आज वो आपकी तरफ बढ़ पाते, आप दोनों खुश रह पाते और उनको भी थर्ड पार्टी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अभी ऐसा है कि थर्ड पार्टी को आपके पर्सन चेस कर रहे हैं, तो उनको यही लगता है अगर आपके साथ रिश्ता अपना नहीं ख़राब किया होता तो आज इस थर्ड पार्टी की ज़रूरत ही क्यों पड़ती। अगर वो उनका साथ छोड़कर जाती भी तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इनकी गलती यही हो गई कि इन्होंने दूसरों की बातों को सुना, थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया और इनकी वजह से आपका साथ छोड़ा। अभी ऐसा है कि ये थर्ड पार्टी ने इनका साथ छोड़ा है, तो इस वजह से इंसान को समझ में आ रहा है कि ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी की भी असलियत पहले आपके पर्सन को पता नहीं थी, ये अभी सब कुछ इन्हें पता चला है कि थर्ड पार्टी धोखेबाज है। थर्ड पार्टी ऐसी है जो इन्हें प्यार देकर दिखा तो रही थी, लेकिन उसके दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। वो ऐसा नहीं था कि इनके साथ सच में उसे प्यार था इस वजह से जुड़ी थी, ऐसा तो नहीं था। इनसे फ़ायदा था इस वजह से उन्होंने इन्हें, आपके पर्सन को, चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाया है। आपके पर्सन को ऐसा बनकर दिखाया कि उनसे ज़्यादा प्यार तो इन्हें कोई दे ही नहीं सकता, और ये पर्सन भी जो दिखावा था उसी में आ गए। सच्चाई इनको समझ में आई नहीं कि असलियत क्या है, ये इंसान कैसा है, ये इन्होंने परखा भी नहीं, और उनकी मीठी बातों में ये आए और इस वजह से अपने इन्होंने गलती की है और एक अच्छा खासा रिश्ता इन्होंने खो दिया। अब ये बात ये समझ पा रहे हैं। लेकिन अब ऐसा है कि थर्ड पार्टी की सच्चाई अब इस इंसान के सामने आ गई है कि वो सही नहीं है इनके लिए। अब इनको समझ में आया है कि अच्छे इंसान को छोड़कर जब हम किसी और की तरफ जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो इंसान भी वैसा ही हो जैसा पहले वाला इंसान हमारे साथ था। यहाँ पर ये वही नहीं समझ पाए थे, इनको लगा था कि आपसे अच्छा तो अच्छी तो वो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के साथ बढ़िया सब कुछ अच्छा चलने वाला है। और ऐसा था कि थर्ड पार्टी के साथ लाइफ में आगे बढ़ना भी इनके लिए आसान था। हो सकता है उस थर्ड पार्टी को इनकी फैमिली ने चुना था,
या फिर इनकी फैमिली ही थर्ड पार्टी है जिनके साथ इनका ये प्रॉपर्टी वगैरह का भी चक्कर हो सकता है, यहाँ पैसों का भी लालच हो सकता है, जिसकी वजह से आपने आपके पर्सन ने आपका साथ छोड़कर थर्ड पार्टी का साथ दिया था। क्योंकि ये इंसान ऐसे हैं कि अपना फ़ायदा भी देखते हैं, तो इनको तो यही समझ में आया। और थर्ड पार्टी के साथ लाइफ में आगे बढ़ना भी इनके लिए आसान था, इनको वहाँ पर कोई परेशानी नहीं थी। आपके साथ इनको परेशानी नज़र आती थी कि फ्यूचर आपके साथ कुछ भी नहीं है, फैमिली नहीं मानेगी, तो ये तो वो दुनिया भर का इनके दिमाग में चलता था। और उसी सब के चक्कर में इन्होंने गलती की है और अब पछता रहे हैं। और जब से इस इंसान से आप जुड़े गए तो ऐसा नहीं था कि हमेशा आप खुश रहे हैं, आप इनके साथ परेशान भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। लेकिन आप इनका साथ इसलिए नहीं छोड़ते थे कि आपको इस रिश्ते को तोड़ना नहीं था, आपको इस रिश्ते को आगे ले जाना था। आप ऐसे नहीं हैं, साथ छोड़कर भागने वालों में से नहीं हैं, जैसा कि आपके पर्सन ने आपके साथ किया, लेकिन आप तो ऐसे नहीं थे। इस वजह से आप सब कुछ सहते रहे। लेकिन अब ऐसा है गाइस कि अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया था तो ये अनब्लॉक करने वाले हैं, और ये इंसान खुद आपकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसा भी है। और आप अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी थी तो वो भी जाती हुई नज़र आती है। तो यहाँ पर सब कुछ सही होता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे आप लोग हस्बैंड वाइफ हों और किसी कारण से अभी दोनों अलग हैं, और या फिर आप हस्बैंड वाइफ नहीं भी हैं, आप सिर्फ ऐसा था कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हैं, रिलेशनशिप में रहे हैं, तो भी अगर आपके रिश्ते में कोई तीसरा इंसान आ गया, कोई भी थर्ड पार्टी आ गई, तो वो यहाँ से जाती हुई नज़र आ रही है, और यह इंसान आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं। ये अभी आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, अगर ब्लॉक करके इन्होंने रखा था तो। अगर ऐसा कुछ नहीं था तो ये आपसे कांटेक्ट अगर नहीं कर रहे थे तो कांटेक्ट करेंगे। और ये आपसे सॉरी भी कहेंगे, ऐसा भी है, क्योंकि बहुत जल्दी आपके फेवर में फैसला आने वाला है। तो आपको गाइस हिम्मत नहीं हारनी है, सब कुछ सही होता हुआ यहाँ पर नज़र आता है। और आपको, आप तो खुद ही ऐसा है कि स्ट्रांग हैं, आपको बहुत कुछ आपने सहा है, तो ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ से आप डरते हैं या अब आप परेशान रहते हैं, ऐसा भी नहीं। आप में भी बदलाव आया है, लेकिन फिर भी आपको हिम्मत रखनी है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ सही हो रहा है। और देखिए, यहाँ पर ऐसा भी है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ने के लिए हो सकता है किसी दोस्त की मदद लें, या कोई भी ऐसा इंसान है जिनसे ये मदद ले सकते हैं, ये इन्हें लगता है, तो उस इंसान से मदद लेंगे। और ये हो सकता है कि इनके कोई फ्रेंड हैं या फिर इनकी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान है जो जिससे ही अपने मन की सारी बात कह पाते हैं, जिसको आप दोनों के बारे में पता है, तो ये उस इंसान से मदद ले सकते हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। और आपके पर्सन मौका ढूंढ रहे हैं गाइस कि आप कुछ भी ऐसा करें, कोई भी गलती आपसे हो तो फिर ये उस बहाने से आपसे बातचीत शुरू करें, चाहे सोशल मीडिया पर कभी किसी को कुछ कमेंट दे दिया, या कुछ जो भी काम आपके पर्सन आपको करने के लिए मना करते थे वही काम कर दिया। तो वो यही मौका ढूंढ रहे हैं कि आप कुछ गलती करो और ये आपको उस चीज़ के लिए उसी बहाने से आपसे बातचीत ये शुरू करें कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, आप इन्हें कोई मौका देने वाले नहीं हैं, ऐसा भी है, क्योंकि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जी रहे हैं और आप ज़्यादा इनकी तरफ ध्यान देते नहीं हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं लगता कि आप कोई भी मौका इन्हें देंगे। इन्हें खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी आपकी तरफ बढ़ने के लिए। और अभी जो आपकी एनर्जी है, यही आपके पर्सन को ट्रिगर कर रही है। जिस तरह अभी आप खुद पर ध्यान दे रहे हैं, अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, खुश रह रहे हैं, घूमना फिरना, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना, परिवार के साथ समय बिताना, जो ये सब अभी आप कर रहे हैं, इसकी वजह से आपके पर्सन जेलिस भी हो रहे हैं। और यही है, यही जो आपकी एनर्जी है, यही आपके पर्सन को ट्रिगर कर रही है, और इसी वजह से वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो समझ गए गाइस, यही एनर्जी है अभी आपके पर्सन की। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।